पूरे देश में कोविड-19 महामारी फैली हुई है। ऐसे में बड़ी बड़ी संस्थाएं और लोग अपनी हैसियत के अनुसार पीएम फंड में पैसे दान कर रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को मदद हो सके। देखा जाए दान 1,000 का हो या 1,00,000 का, पर दान देने के लिए भी जिगर होनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला यूपी के चंदौली जिले में देखने को मिला, जब एक 11 साल का बच्चा पीएम फंड में पैसा दान के लिए सीओ ऑफिस पहुंच गया। आपको बता दें उक्त बच्चे का नाम कृष्ण आनंद तिवारी है, जो मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला। इस 11 साल के बच्चे का जज्बा देख सभी हैरान हो गए। दरअसल आज आनंद क्षेत्र अधिकारी कार्यालय सदर चंदौली में आया और सीओ सदर से मिलने की इच्छा जाहिर की और बताया कि मैं ग्राम दांडी से आया हूँ और मैं सीओ साहब से मिलकर अपने गुल्लक में जमा किए पैसे में पीएम राहत फंड में जमा करना चाहता हूँ। बच्चे की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस बात की सूचना क्षेत्र अधिकारी सदर को दिया। वही सूचना पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी को आनंद ने अपने गुल्लक से 1,135 रुपए निकाल कर दिए, जिसके उपरांत क्षेत्र अधिकारी सदर द्वारा 1,135 रुपए का पीएम फंड में ऑनलाइन जमा कराया गया। कृष्णानंद तिवारी कहाँ सा है? ये पैसा किस फंड में जाना चाहते हैं? पीएम फंड में। मोदी जी के फंड में? मोदी जी के खिलाफ में पढ़ते हैं बनारस जी। ओपन करो पैसा। कितना पीएम फंड में कितना पैसा है? 1,135 दे रहे हैं जी सर।